देश आज दिवाली मना रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को मनाने के लिए लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। पूरा देश रोशनी से सज गया है। आज शाम को गणेश लक्ष्मी पूजन के बाद लोग पटाखे छुड़ाएंगे। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में दिवाली खूब जोर शोर से मनाई जा रही है। दिवाली के मौके पर पूरे जयपुर शहर को रोशनी से सजाया गया है। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं जहां खूब रोशनी का इस्तेमाल किया गया है। जयपुर शहर में ऐतिहासिक इमारतों को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। झील के बीचों बीच सिखों के आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर की जगमगाहट को देखने के लिए दिवाली के मौके पर हजारों लोग हर साल आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। दिवाली में खरीदारी के लिए बाजार सजे हुए हैं। दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। खाने पीने से लेकर सजावट के सामानों की खरीद के लिए दुकानों पर तांता लगा है। दिवाली के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। जगह जगह नाकेबंदी कर जवान तैनात है। लोगों को भी आगाह किया गया है। मुंबई में श्री काली पूजा के मौके पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने पारंपरिक नृत्य से लोगों का दिल जीत लिया। राजकोट में दिवाली से पहले मना दिवाली का जश्न। आतिशबाजी से पूरा राजकोट शहर रोशनी से नहा गया। श्रीनगर में अपने घर परिवार से दूर बीएसएफ के जवान अपने साथियों के साथ बटालियन में ही दिवाली मना रहे हैं। दिवाली के मौके पर स्थानीय लोगों के साथ बड़ी तादाद में जवानों ने मेले में शिरकत की। मुंबई पुलिस ने भी मिसाल पेश करते हुए अपनी छुट्टियां रद्द कर दी है। त्योहारों पर आतंकी खतरे को देखते हुए पुलिसकर्मी बाजारों में और मंदिरों में सुरक्षा पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। मुंबई के एनएम जोशी पुलिस थाने पर सीनियर सिटीजन्स के साथ भी पुलिसकर्मियों ने दिवाली की खुशियां बांटी, पटाखे छुड़ाए। दिवाली के मौके पर पटाखों से अक्सर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए फायर फाइटर्स ने भी इस बार पूरी तरह कमर कस ली है। दिल्ली में भी किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए फायर फाइटर्स तैयारी में बैठे हुए हैं। दिवाली के मौके पर फायर फाइटर्स को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। फायर फाइटर्स का काम करने वाले जयपुर के रहने वाले ईश्वर लाल जाट ने पिछले 34 सालों से दिवाली पर छुट्टी नहीं ली है। वाराणसी में विधवा आश्रम में बुजुर्ग महिलाएं भी दिवाली मना रही हैं। जिंदगी के अहम पड़ाव पर अपनों से बिछड़ चुकी महिलाएं आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांट रही हैं। दिवाली के मौके पर पटाखा बाजार पूरे शबाब पर पहुंचा। दिल्ली से लेकर पटना तक पटाखा बाजार में रौनक। हालांकि महंगाई की वजह से दुकानदारों को बिक्री कम होने की आशंका। दिवाली पर हर दिल खुश। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इस मौके पर सभी लोग प्रेम और भाईचारे को बढ़ाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिवाली पर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील की है। सोनिया गांधी ने देश में सुख शांति और संपन्नता बढ़ने की कामना की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाई दी है। शीला दीक्षित ने कहा है कि लोगों में अब जागरूकता काफी बढ़ चुकी है, इसलिए पटाखों का शोर भी कम हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ विदिशा में दिवाली का विशेष पूजन किया। शिवराज ने राज्य की सुख शांति और संपन्नता के लिए प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में काली पूजा में हिस्सा लिया। ममता 36 सालों से दिवाली पर काली पूजा कर रही हैं। ये सिलसिला तब से चला आ रहा है जब से वो स्टूडेंट लीडर थी। अगर दिवाली की रात 8 बजे तक मेट्रो नहीं पकड़ी तो फिर आपको कोई दूसरी सवारी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि दिवाली के मौके पर रात 8 बजे के बाद मेट्रो नहीं चलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्कूल में प्रार्थना के दौरान या फिर संविधान की शपथ लेते हुए हाथों को जोड़ना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और सलमान खान के बीच दूरियां और कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। शाहरुख खान ने कहा कि सलमान के साथ अहम जैसा कोई मुद्दा नहीं है।
दोनों खान को किसी फिल्म में साथ देखने की संभावना के बारे में पूछने पर शाहरुख ने कहा, निर्माता और निर्देशकों को एक अच्छी पटकथा के साथ आना चाहिए, यदि कोई मौका होगा तो हम साथ काम करेंगे। सलमान का नाम लेते हुए शाहरुख ने कहा कि हमारा एक दूसरे से कोई बैर नहीं है, हम एक दूसरे की और एक दूसरे के परिवार की इज्जत करते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में कम से कम 10 लोगों की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। खबर है कि एक पेड़ में आग लगने की अफवाह के बाद लोग कूद रहे थे, इसी दौरान उस ट्रैक से एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी, तभी लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। बोकारो जाने वाली एलएपी धनबाद एक्सप्रेस के 2 कोचों में आग लगने की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के बाद ट्रेन को उसमें सवार लोगों ने चेन खींचकर रोक दिया था। चेन पुलिंग के वक्त ही रायगढ़ विजयवाड़ा पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी, इस दौरान एलएपी धनबाद ट्रेन के 2 कोचों में आग की अफवाह से उतरे लोग पटरी पार कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में कांग्रेस के पूर्व विधायक की गर्भवती पुत्रवधू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। लड़की वालों का आरोप लगाया है कि पहले तो शादी झूठ बोलकर की और फिर उसे परेशान किया गया। दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ये शादी 10 महीने पहले हुई थी और पूर्व विधायक का लड़का 2 दिन से गायब था। शनिवार शाम रेखा अपने बेडरूम में फांसी से लटकी हुई थी। मुंबई के पौश इलाके जुहू में बेरहमी से गार्ड को पीट रहे स्थानीय लोगों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। गार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बच्चों को बिल्डिंग के नजदीक खेलने से मना किया था। मुंबई के जुहू में स्थानीय लोगों के जुल्म का शिकार सिक्योरिटी गार्ड जब डीएन पुलिस थाने में मामले को दर्ज कराने के लिए गया तो पुलिस ने भी मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले एक 45 साल के बुकी ने 16 लाख रुपए हारने के बाद 20 साल के युवक का कत्ल कर दिया। आरोपी ने पूछताछ में सारा सच उगल दिया है। मुंबई पुलिस ने ज्योतिषी होने का झांसा देकर घरेलू महिलाओं से उनकी ज्वेलरी और कैश चोरी करने वाले 23 साल के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वेंकट राव नाम के एक शख्स के पास से ज्वेलरी और एक लाख नकद बरामद किया गया है। एटीएम में धोखाधड़ी कर लोगों को लूटने वाले सीसीटीवी में कैद 2 भाइयों की मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई पैसे निकालने में मदद की पेशकश कर भोले भाले लोगों के अकाउंट साफ कर देते थे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए सुर साम्राज्य लता मंगेशकर द्वारा कामना किए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे असंवेदनशील व्यक्ति के बारे में उनकी जुबान से ऐसी चीज सुनकर देश को तकलीफ होती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भक्त चरण दास ने कहा कि समूचा देश लता मंगेशकर का सम्मान करता है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया है। लता जी की आवाज में दर्द और संवेदना है। जब नरेंद्र मोदी जैसे असंवेदनशील व्यक्ति के लिए उनकी जुबान से ऐसा कुछ निकलता है तो समूचे देश को तकलीफ होती है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि 2014 के आम चुनाव में थर्ड फ्रंट की सरकार बनने के आसार हैं। अखिलेश के पिता और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एक अरसे से प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि यूपी बिहार पश्चिम बंगाल तमिलनाडु ओडिशा के राज्यों में गैर कांग्रेस या बीजेपी की सरकार है, जहां राज्य कर रहे क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटें मिली तो थर्ड फ्रंट की सरकार बनना तय है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। रांची में स्टॉल्स पर बीजेपी नमो प्याज बेच रही है जिसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। भोपाल में बीजेपी वर्करों ने टिकट बंटवारे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भोपाल कार्यालय विधानसभा चुनाव में टिकट पाने और दूसरे का टिकट कटवाने को लेकर प्रदर्शन और हंगामे का अड्डा बन गया है। दफ्तर के बाहर टिकट बंटवारे से नाराज वर्करों का बवाल। राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। इस मीटिंग में सीनियर कांग्रेस लीडर शामिल हुए और राजस्थान का रण जीतने को लेकर मंथन किया।
कांग्रेस ने गोवा के सीएम मनोहर पारिकर को इस्तीफे की मांग की है। स्टेट कांग्रेस का आरोप, बीजेपी राज में गोवा में कानून व्यवस्था बदतर हो गई है और विकास का चक्का रुक गया है। अरविंद केजरीवाल का दावा, जनता से किया वादा, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जाएगा आप पार्टी का टिकट।